तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। और भाई सारे शो को अच्छे से रिव्यू करने वाले हैं। अब वीडियो को जरूर एंड तक देखें क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं आज के शो के अंदर और उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो कल की मिस कर दी थी, ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर एक पूरी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री चैनल पर आई थी, एक बहुत ही बढ़िया वीडियो है जिसमें आपको उस टीम के बारे में पूरी इनसाइट मिल जाएगी और अंडरटेकर और केन खुद उसमें काफी सारे ओपिनियंस दे रहे थे, तो मैंने उसके बारे में बात करी है। तो अगर आपने वो चेकआउट नहीं कराया गाइस तो डेफिनेटली जाएं और उस वीडियो को भी देखें, लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी शो स्टार्ट होता है, सिजारो रिंग के अंदर खड़े होते हैं, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोले सेथ रॉलिंस बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे वो अपने प्रोमो में खुद को क्रेडिट देते हैं कि सिजारो तुम मेरे साथ रेसलमेनिया में मैच लड़े थे और उसके बाद अब तुम ज़्यादा ही उछल रहे हो क्योंकि यूनिवर्सल चैंपियनशिप तक तुम्हें पहुँचना है, लेकिन मैंने ये बात बोली थी कि अभी हमारे बीच का जो एक किस्सा है ख़त्म नहीं हुआ। और उसके बाद वो कहते हैं कि अगर रेसलमेनिया में बारिश की वजह से डिले नहीं हुआ होता तो मैं तुम्हें हरा देता क्योंकि उसकी वजह से मुझे मैच के लिए प्रिपेयर करने में दिक्कत हो गई थी। तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस बोल रहे होते हैं और वो काइंड ऑफ मैच के लिए चैलेंज करते हैं यहाँ पे सिजारो को, वो रिंग की तरफ जा रहे होते हैं लेकिन यहाँ पे गाइस जे उसो बाहर आ जाते हैं और उसके बाद जे उसो भी यहाँ पे सिजारो को काइंड ऑफ चैलेंज करते हैं, लेकिन सेथ यहाँ पे उसो को कहते हैं क्यों ना हम इसको घेर के एक साथ अटैक करें। तो रिंग के पास जाते हैं लेकिन डैनियल ब्रायन आ जाते हैं यहाँ पे और वो सिजारो के लिए हेल्प करते हैं और डैनियल ब्रायन कहते हैं देखो भाई तुम दोनों में से और इनफैक्ट रोमन से भी ज्यादा एफर्ट जो है यहाँ पे सिजारो ने करा है इस स्मैकडाउन के शो पे इतने टाइम से और ये डेफिनेटली एक टाइटल अपॉर्चुनिटी को डिजर्व करता है। तो वो रोमन को यहाँ पे बाहर बुलाते हैं कि रोमन भाई क्या तुम हमारा चैलेंज एक्सेप्ट करोगे और सबसे पहले वो अपनी नई टी-शर्ट के बारे में बात करते हैं जिस पे लिखा होता है स्मैश देम स्टैक देम एंड पिन देम। और यहाँ पे गाइस रोमन कहते हैं ब्रायन को कि एग्जैक्टली यही मैंने तुम्हारे साथ रेसलमेनिया में भी करा था, टी-शर्ट में इस चीज की फोटो भी बनी हुई है। तो यहाँ पे वो कहते हैं डैनियल तुम पिन जब हुए थे रेसलमेनिया में सबसे नीचे थे, यानी कि तुम लूजर हो, तुम रेसलमेनिया के मेन इवेंट लूजर हो और सिजारो भी सेम है तुम्हारी तरह ही लूजर है। तो वो कहते हैं भाई गुड लक तुम्हारे मैच के लिए जो अब होने वाला है यहाँ पे टैग टीम, और वो वहां से चले जाते हैं। तो चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे उसके बारे में रोमन यहाँ पे कुछ कहते नहीं है। तो काफी लोग सोच रहे थे कि क्या यहाँ पे सेथ रॉलिंस जो है वो रोमन रेंस के साथ खड़े होकर उनके साथ अलाइन हो जाएंगे या इस टाइप का कुछ हमें देखने को मिलेगा। डेफिनेटली अभी WWE ऐसा कुछ नहीं कर रही है गाइज, क्योंकि रॉलिंस आगे खड़े हुए थे पूरी सेगमेंट में, रोमन के आसपास भी नहीं आ रहे थे, इनफैक्ट वो तालियां बजा रहे थे कुछ चीजों पर जब रोमन रेंस इंसल्ट कर रहे थे ब्रायन और सिजारो की। तो अभी इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो फिर से WWE यूज नहीं कर रही है। तो यहाँ पे जो अगला टैग टीम मैच हमें देखने को मिला गाइस वो था सेथ रॉलिंस एंड जे उसो अगेंस्ट डैनियल ब्रायन एंड सिजारो। और जबकि एक बहुत लंबा टैग टीम मैच था, दो कमर्शियल ब्रेक्स इसके अंदर आए, लेकिन तब भी मैं कहना चाहता हूं भाई कि क्या कमाल का मैच है हमें देखने को मिला। और ये जो पूरी स्टार्टिंग की सेगमेंट चली इस मैच के एंड तक 40 मिनट शो के इसी ने ले लिए, लेकिन सिजारो और डैनियल ब्रायन को एक कमाल का सुपरस्टार दिखाया गया इस पूरे पीरियड में। तो यहां पे वो मैच भी जीत जाते हैं और मैच के बाद वो फिर से रोमन रेंस को बाहर बुलाते हैं और डैनियल ब्रायन यहां पे टर्न बकल पे बैठे हुए हैं और रोमन को उल्टा सीधा बोली जा रहे हैं कि वो बाहर आएगा, लेकिन वो आते नहीं है बाहर। और यहाँ पे दो बार बहुत ही लंबी देर तक सिजारो जो है वो अपना सिजारो स्विंग लगाते हैं ऑन जे उसो। तो काइंड ऑफ रोमन रेंस को ये दिखाने वाली बात थी कि भाई हम तुम्हारी फैमिली को अटैक कर रहे हैं लेकिन तब भी तुम उसके लिए बाहर नहीं आ रहे, और ये चीज गाइस काफी बढ़िया हमें देखने को मिली। इसके बाद जो चीज बढ़िया नहीं देखने को मिली वो थी तमीना स्नुका और नाया जैक्स का मैच। और यहाँ पे भाई सिंपली रेजिनाल्डो वापस आ चुके हैं और उनकी डिस्ट्रैक्शन की वजह से नाया जैक्स को जबकि जीतना चाहिए अब वो हार गई हैं फिर से और तमीना यहाँ पे जीत चुके हैं। तो ये रीमैच फिर से बैकलैश में होगा टैग टीम टाइटल्स का आई गेस, और नाया जैक्स जल्द ही जो रेजिनाल्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे ऐसा मुझे लग रहा है। इसके बाद इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच होता है अपोलो क्रूज का अगेंस्ट केविन ओवेंस। तो अपोलो क्रूज इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होते कि उनको अपना टाइटल डिफेंड करना पड़ रहा है, वो एडम पियर्स के पास जाते हैं और उनको कहते हैं देखो भाई सीधी सी बात है बिग ई को मैं ऑलरेडी हरा चुका हूं रेसलमेनिया में, तो अगर उसके साथ तुम मुझे मैच देते हो तो एक बार फिर से उसे नाइजीरियन नेल पड़ेगा। लेकिन यहां पे एडम पियर्स कहते हैं बिग ई को जब रीमैच मिलना होगा मैं उसको दे दूंगा, लेकिन आज तुम अपना टाइटल केविन ओवेंस के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हो। तो इन दोनों का ये मैच हमें देखने को मिलता है जो कि एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया रेसलिंग मैच था। यहाँ पे अपोलो क्रूज को बिल्कुल एक स्टार की तरह दिखाया गया इस मैच में क्योंकि पॉपअप पावर बॉम्ब जैसे मूव्स पे भी उन्होंने किकआउट करा। सैमी ज़ेन यहाँ पे कॉमेंट्री पर बैठे हुए थे और वो बहुत आराम से मजे ले रहे थे जिस तरीके से उनको लग रहा था केविन ओवेंस हारने वाले हैं। और एट द एंड हमें देखने को मिलता है कि कमांडर अजीज की यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन की वजह से ओवेंस को रोल अप करके अपोलो इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद केविन ओवेंस टनल
लगाते हैं अपोलो पे, लेकिन कमांडर अजीज उनको नाइजीरियन नेल से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जब अपोलो का गाना बज रहा होता है भाई, वो अपना एग्जिट कर लेते हैं, तो सैमी आते हैं रिंग में, और कुछ ऐसा नहीं है कि वो अटैक कर रहे हैं केविन ओवेंस को, वो तो आके यहाँ पे नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उन्होंने तो अपना खुद का डीजे बना लिया भाई, और वो आराम से अपने मूव्स कर रहे हैं। और सैमी ज़ेन गाइस काफ़ी फनी तरीके से यहाँ पे एक्ट कर रहे थे, तो आई थिंक उनका मैच एक और बार केविन ओवेंस के साथ होगा। तो अपोलो अपनी बैक स्टेज इंटरव्यू दे रहे होते हैं यहाँ पे, और वहाँ पे आ जाते हैं बिग ई और उनको कर देते हैं अटैक। तो क्लियर करी जा रही है बात कि आज जो केविन ओवेंस के साथ मैच हुआ है, ये कोई नई फ्यूड नहीं है अपोलो की, अभी भी उनका जो प्रोग्राम है वो बिग ई के साथ ही कंटिन्यू होने वाला है, और प्रोबेबली रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर ही उनका रीमैच हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद जो स्मैकडाउन पे हमें देखने को मिला गाइस, वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि एलिस्टर ब्लैक ने अपना रिटर्न कर लिया रिंग के अंदर नहीं, लेकिन एक प्रोमो में उन्होंने अपने नए गिमिक को रिवील कर दिया, और फिर से वो एक काले कमरे में जाके बैठ गए हैं, तो मुझे डर लग रहा है। लेकिन पहली चीज वो कहते हैं यहां पे कि भाई मैं तुम्हें आज सच बताने वाला हूं, तो मुझे लगा शायद वो अपनी AEW के अनाउंसमेंट कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई मेरे हाथ में बुक है जिसका नाम था गाइस टेल्स फ्रॉम द डार्क फादर, और उसका चैप्टर 1 था ड्रैगन। वो कहते हैं आज मैं तुमको सच बताऊंगा। वो एक स्टोरी बताते हैं कि एक फादर था, वो अपने बेटे को जो है फ्यूनरल्स और अलग अलग जगहों पे लेके जाता था कि ऐसे कि वो उसको थोड़े मॉरल सिखाना चाहता है, लेकिन एक्चुअली में उसने अपने बेटे को डार्क बना दिया। और ब्लैक कहते हैं यहाँ पे कि देखो भाई सारे लोग जो है वो बहुत ज्यादा वीक माइंडेड होते हैं, और वो अपने बच्चों को जो है वो मॉन्स्टर्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो कहते हैं इस टाइप के पीपल इस दुनिया में डिजर्व नहीं करते रहना, और इनको मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ। तो आई डोंट नो इसका मतलब क्या था, कि एलिस्टर ब्लैक एक्चुअली में अब बच्चों के फादर से मैच लड़ने वाले हैं स्मैकडाउन पे, पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ पे गाइस इनका इंटरेस्टिंगली रिटर्न तो हमें देखने को मिल गया। अब आगे की बुकिंग जब तक मुझे देखने को मिलती नहीं, मैं इसको सीरियसली लेने वाला हूँ नहीं। लेट्स होप कि एलिस्टर ब्लैक इज बैक विद अ बैंग, और वो स्मैकडाउन पे अब कमाल कर सकते हैं। इसके बाद बैक स्टेज जाती हैं बेली, और यहाँ पे गाइस वो बहुत सारी बातें बोल रहे होते हैं बियांका के बारे में उल्टी सीधी। मॉन्टेस फोर्ड यहाँ पे आ जाते हैं, और उनके स्पीकर फोन पे बियांका होती हैं, और वो कहते हैं कि भाई जो तुम्हें बोलना है बियांका को अभी बोल दो, लेकिन बियांका की आवाज आती है मैं अभी वहां पे आ रही हूं। तो जब वो आती है बेली की टोन बिल्कुल बदल जाती है, वो उनकी तारीफ करना स्टार्ट कर देती है कि कैसे उन्होंने साशा को रेसलमेनिया में हराया। और यहाँ पे गाइस पहले तो वो चली जाती हैं तारीफें करके, और वापस आके हंसना शुरू कर देती हैं। तो ऐसा लगता है कि बियांका को वो उल्लू बनाने की कोशिश कर रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन दोनों का जो मैच है वो रेसलमेनिया बैकलैश के लिए भी ऑफिशियल हो गया है फॉर द स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। आई डोंट थिंक अभी कोई भी चांस है कि बेली इस टाइटल को जीतेंगी। इसके बाद फॉर द 1000th टाइम ऑन स्मैकडाउन द मिस्टीरियोस का मैच होता है अल्फा अकेडमी के साथ, और इतनी बार ये मैच हो रहा है, कोई इसके पीछे कोई खास स्टोरी लाइन है नहीं। और यहाँ पे गाइस एक बार फिर से हमें देखने को मिला मिस्टीरियोस जीत गए हैं, तो ओटिस और गेबल के लिए जो थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी थी वो भी आज चली गई, और मुझे नहीं लगता उनके साथ अब WWE कुछ करने वाली है। और फाइनली शो को खत्म करने के लिए एक बार फिर से डैनियल ब्रायन और सिजारो रिंग के अंदर आते हैं, और वो रोमन रेंस से उनका आंसर मांग रहे हैं। बहुत देर तक यहाँ पे रोमन बाहर नहीं आते, तो सिजारो कहते हैं देखो भाई या तो रोमन तुम बाहर आ जाओ या हम अभी बैकस्टेज आ जाते हैं, लेकिन आंसर तो हम लेके रहेंगे। तो रोमन आते हैं रिंग में, और वो सिजारो को कहते हैं भाई तुमने ऐसा करा ही क्या है कि तुम यहाँ पे जो है वो चैलेंज मुझे कर रहे हो फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और उसके बाद यहाँ पे वो कहते हैं कि देखो भाई मैं चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन मैं डैनियल ब्रायन को ये अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ। वो ब्रायन को कहते हैं कि नेक्स्ट वीक यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए एक मैच मैं तुम्हें देने वाला हूँ, लेकिन तभी अगर तुम हार गए तो वहां पर तुम स्मैकडाउन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दोगे, यानी कि तुम्हें मेरे शो से जो है वो जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो तुम्हें कभी पसंद करता नहीं था, ना अब करता हूं और ना कभी करने वाला हूं। तो उससे बेटर यही होगा कि तुम मेरे शो से निकलो। और गाइस यहां पे बड़ी स्टिपुलेशन के साथ इस मैच को ऑफिशियल कर दिया गया नेक्स्ट वीक की स्मैकडाउन के लिए कि डैनियल ब्रायन और रोमन रेंस का मैच होगा फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि हमने डैनियल ब्रायन के बारे में अलग अलग रूमर्स सुने हैं, और गाइस आज एक और वीडियो आएगी मोस्ट प्रोबेबली न्यूज की, जहां पे हम उनके कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो क्या डैनियल ब्रायन यहां पे रिटायर होने वाले हैं एक बार फिर से WWE से, या फिर वो स्मैकडाउन छोड़ के मंडे नाइट रॉ पे जाने वाले हैं, और बदले में एक बड़ा बेबी फेस शायद आ सकता है गाइस स्मैकडाउन पे, क्या वो ड्रू मैकइंटायर होंगे? आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं। ये था गाइस आज का स्मैकडाउन का रिव्यू, एक बार फिर से काफी बढ़िया ये शो था गाइस और मुझे पसंद आया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, और एक बार फिर से मैं बोलूंगा वो ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन वाली वीडियो जरूर चेकआउट करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।